Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture series of tensor analysis. Students, today is the turn of lecture number 22 of tensor analysis. Before moving on towards the formal content of my videos today, please subscribe my channel if you have not subscribed it as yet. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हमने टेंसर्स के लिए काफी सारा ग्राउंड क्रिएट कर लिया है, पाथवेज क्रिएट कर लिए हैं कि जहां हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझने लग गए हैं. हमने हर ऑर्डर के अगेंस्ट टेंसर्स की बात कर ली है. टेंसर्स की जो तीन बेसिक टाइप्स होती हैं हर ऑर्डर के अगेंस्ट, कॉन्ट्रावेरियंट, कोवेरियंट और मिक्सड टेंसर, वो भी हमने स्टडी कर लिए. उनके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने स्टडी कर लिया. हम आज के लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. बिकॉज अब होगा क्या कि अब हम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के माबेन टेंसर्स की डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स को रिवाइज करना काफी जरूरी है. बिकॉज ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं और इनके थ्रू बहुत से पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स निकलते हैं जिनके दरमियान हमने टेंसर्स को स्टडी करना है. तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, इसके लिए हम कुछ लिखते हैं थोड़ा बहुत और प्रिसाइसली देखते हैं कि ये क्या चीज है. लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो नॉर्मली आप सिस्टम यूज करते हो एक्स वाई जेड वाला. ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शंस ऑफ यू वन, यू टू, यू थ्री, सो दैट एक्स इज अ फंक्शन ऑफ यू वन, यू टू, यू थ्री by the function of u1, u2, u3, z is a function of u1, u2, u3. इस सिस्टम को मैं 1 कह देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, सपोज दैट 1 कैन बी सॉल्व फॉर u1, u2, u3 in terms of x, y, z. That is, you can express u1 as a function of x, y, z. u2 is a function of x, y, z. And u3 is a function of x, y, z. इस सिस्टम को आप यू कह दें. ठीक है, क्या हमने बात की अभी तक कि हमने कहा कि अज्यूम दैट कि जो आपकी कट जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पॉइंट के, हर पॉइंट को आप u1, u2, u3 के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी x इज सम फंक्शन विच इज डिपेंडिंग अपॉन u1, u2, u3. Similarly, y is a function which is depending upon u1, u2, u3, and z is a function which is depending upon u1, u2, u3. ये assumption लेके चले और फिर further assume किया कि और वो कि आप इन u1, u2, u3 को inverse way में find कर सकते हैं in terms of x, y, z. यानी कि जिस तरीके से inverse function होता है कि अगर y is depending upon x for its value, तो आप एक ऐसा relation find कर लें जहां पे x अपनी value के लिए y पे depend करे. बेसिकली वही अज्यूम किया. अब ये सपोजिशन कब अज्यूम कर सकते हैं ये बात, मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कंडीशन हम मेंशन करते हैं कि कब ये इनवर्स वे में भी रिलेशन फाइंड किए जा सकते हैं. उसको थोड़ा सा लिखते हैं. यानी ये जो सॉल्व करते हैं हम, ये कौन सी मैथमेटिकल कंडीशन रखी जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये देखना है हमने. The functions in 1 and 2 are assumed to be, मतलब ये जितने 6 functions बताए गए हैं ये single value है, यानी इनके answers unique है
and to have continuous derivatives, ये continuously differentiable functions है, continuous derivatives हैं इनके, यानी इनके derivatives लेके जो function आएगा, sorry, continuously differentiable something else, continuous derivative means कि इनके derivative लेके जो function आएगा वो भी continuous होगा, so that the correspondence so that the correspondence between xyz and u1 u2 u3 is unique, yani ki ye jo correspondence hai theek hai ke आपको एक्स वाई जी के बदले में यू वन यू टू यू थ्री मिल रहे हैं और यू वन यू टू यू थ्री के बदले में एक्स वाई जी ऐसे मिल रहे हैं कि वो अपनी वैल्यूज के लिए उन पर डिपेंड कर रहे हैं. ये कॉरेस्पॉन्डेंस कब यूनिक होगी? जब आप इन दोनों सेट ऑफ फंक्शंस को क्या ट्रीट करें, आप अज्यूम करें कि वो सिंगल वैल्यूड है और साथ के साथ इनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं. ये मैथमेटिकल प्रोसीजर बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ये कैलकुलस का थ्योरम बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जो कि इंश्योर करता है कि जब आप ये कंडीशंस लेके चलते हैं तो आप एक्स वाई जी को इन टर्म्स ऑफ यू वन यू टू यू थ्री जब लिखा हो तो वहां से यू वन यू टू यू थ्री इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि यहां मैंने मेंशन किया. इन प्रैक्टिस दिस अजम्पशन मे नॉट अप्लाई. हो सकता है कि ये assumption certain points पे apply ना हो सके, at certain points. तो फिर वहां पर क्या चाहिए होगा हमें? Special consideration is required. वहां पर कुछ खास conditions लेकर, कुछ खास mathematical process करके आप काम चलाएंगे, is required. ठीक है, तो ये हमने अभी तक स्टडी किया कि अगर एक्स वाई जी को इन टर्म्स ऑफ यू वन यू टू यू थ्री लिखा जाए और उन पर सर्टेन कंडीशंस लगाई जाए तो वहां से यू वन यू टू यू थ्री को भी इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जी लिखा जा सकता है, अगर सिंगल वैल्यूड और कंटीन्यूअस डेरिवेटिव की कंडीशन रखी जाए. एक्चुअली हमने डिफाइन क्या करना है? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है गिवन. तो यहां से क्या पता चला कि अगर कोई भी पॉइंट पी आप लेते हो जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, एक्स वाई जी, तो उसके अगेंस्ट फिर आप एक और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिल रहा है. वी कैन गिवन अ पॉइंट पी विथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी, वी कैन फ्रॉम टू से मुराद वो सेट ऑफ इक्वेशंस है, Associate a unique set of coordinates. उसके अगेंस्ट एक यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलेगा. यूनिकनेस की बात मैं यहां कर चुका हूं. वी कैन एसोसिएट अ यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कौन सा? u1 u2 u3. ठीक है, उसी पॉइंट के अगेंस्ट आपको मिल रहा है. ठीक है, जिस पॉइंट के अगेंस्ट एक्स वाई जी आपको मिल रहे थे, यहां से क्या लिखेंगे हम? एसोसिएट अ यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 कॉल्ड द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. ठीक है, तो इस पूरी डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि जब किसी पॉइंट पी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं और अगर आप उन्हें तीन फर्दर u1 u2 u3 के तौर के बतौर फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं तो वहां से u1 u2 u3 भी सॉल्व होकर अगर आ जाएं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी तो वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी थे आपने देखा क्योंकि वो आर्बिट्री था, इसका मतलब हर पॉइंट के लिए बात की जा सकती है. तो हर पॉइंट के अगेंस्ट आपको u1 u2 u3 ऐसे मिल रहे हैं कि वो उन रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस u1 u2 u3 वाले जो ट्रिपलेट बनेगा
ये उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे उस पॉइंट के। जैसे कि ये उसके कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे, उसी तरह ये यू वन यू टू यू थ्री उस पॉइंट के कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यू वन, लेट्स सी, एक दूसरी बुक से हम सिचुएशन देखते हैं। द सेट ऑफ इक्वेशंस, द सेट ऑफ इक्वेशंस वन कौन सा थे, वन एंड टू, डिफाइंस, ये क्या डिफाइन कर रहा है, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये डिफाइन कर रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओके। इसके आगे हम देखते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, वो कौन से होते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, द सर्फेसेस, अब जो आपने u1 था आपके पास, अगर आप उसे किसी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे तो वो एक सरफेस जनरेट होगी 3D सिस्टम के अंदर, कैलकुलस चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं BSc में। इसी तरह u2 को भी, ये u1 u2 u3 बेसिकली वेरिएबल्स हैं एक्चुअली, और बतौर फंक्शन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, नोटेशन का अब्यूज जो है वो नहीं लेना, बल्कि कॉन्टेक्स्ट से समझना है बात को। वेयर C1 C2 C3 आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, आर कॉल्ड, जो सर्फेसिस क्या कहलाएंगी, कोऑर्डिनेट सर्फेसिस, इन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सर्फेसेस कहेंगे, एंड ईच पेयर ऑफ दीज सर्फेसेस, ईच पेयर ऑफ दीज सर्फेसेस इंटरसेक्ट, ऑब्वियसली बात है जब दो सर्फेसेस इंटरसेक्ट करती हैं तो कर्व जनरेट होती है, ये भी कैलकुलस चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्ट इन कर्व्स, और उन कर्व्स को क्या कहा जाएगा, दिस कर्व्स विल बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कर्व्स। तो एक्चुअली पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है, जब एक नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपके पास मिलता है तो वहां से एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, और अब उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आप एक्स वाई जी में कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, यहां पे वो कोऑर्डिनेट कर्व्स कहलाएंगी, वहां वो लाइंस थी, यहां पर प्रिसाइसली कर्व्स होंगी, इंटरसेक्टिंग कर्व्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स और लाइंस, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस, इफ द, अगर इनको, इन सर्फेसेस को इंटरसेक्ट, अगर ये राइट एंगल्स के ऊपर इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस बेसिकली मीन्स कि उनके दरमियान, दो सर्फेसेस के दरमियान एंगल क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो आपस में कट कर रहे हो तो वहां पे जो टेंजेंट्स के अलोंग जो उनके एंगल्स बनते हैं वो आप देख सकते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। इफ द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, अगर वो राइट एंगल्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, उस केस में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहा जाएगा, सिस्टम इज कॉल्ड, वो ऑर्थोगोनल कहलाएगा,
आपका जो एक्स वाई जी सिस्टम होता है इट इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। द यू वन, बहुत काम की बात है लास्ट में, द यू वन यू टू यू थ्री कोऑर्डिनेट कर्व्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर्व्स बनेगी, उनको यू वन यू टू यू थ्री कह रहे हैं, जैसे वहां एक्स वाई जी एक्सिस होते थे, यहाँ यू वन यू टू यू थ्री कोऑर्डिनेट कर्व्स होंगी ऑफ ए कर्वीलीनियर सिस्टम, ऑफ अ कर्वीलीनियर सिस्टम आर एनालॉगस, ये एनालॉगस हैं किसके, टू द एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर जो रोल एक्स वाई और जी एक्सिस का था, कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो रोल इन कोऑर्डिनेट कर्व्स का है। डायग्राम की मदद से हम कैसे देखेंगे, थ्री डी सिस्टम बनाना है बोर्ड पे, तो वो इसी तरीके से आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये कोई पॉइंट पी था, ठीक है, इस पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के लिहाज से एक्स वाई जी होंगे, मगर अब इसके अगेंस्ट एक कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है जो इसकी पोजीशन बता रहा है, और उसके अंदर आप देख रहे हो कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, सॉरी जो यहां कोऑर्डिनेट एक्सिस है वहां उसके एनालॉग के तौर पर कोऑर्डिनेट कर्व्स है, ठीक है, विच इज नोन एज द यू वन कर्व, द यू टू कर्व एंड फाइनली द यू थ्री कर्व। ये वो कर्व्स हैं, वो ये कर्व्स कैसे जनरेट हो रही है, सर्फेसिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो u1 इक्वल टू c1 वाला जो सरफेस होगी वो एक्चुअली u2 और u3 से बाउंड हो रही होगी, u1 इज इक्वल टू c1, या हम इसको ऐसे मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से u1 और u2 कर्व्स में जो इनके दरमियान में जो सरफेस बाउंड हो रही होगी दिस विल बी u3 इक्वल टू c3, और u3 और u1 कर्व के दरमियान जो सरफेस बाउंड हो रही है दैट इज एक्चुअली द u2 इक्वल टू c2 सरफेस। तो स्टूडेंट्स ये थी डिस्कशन टोटल आज की, कि जहां हमने कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया और फिर ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्कस किया। अगर ये u1 u2 u3 जो है ये क्या हो जाए, देखें जब भी सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगी ऑर्थोगोनली तो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी, नॉर्मली जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक कर्व बनती है, लेकिन जब वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये u1 u2 u3 अगर स्ट्रेट लाइंस बन जाए, कर्व इज कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बन जाएगा, जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, जैसे सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। होपफुली स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, इंशाल्लाह मजीद कुछ लेक्चर्स में हम कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे इस सिस्टम के अंदर, और फिर आगे चल करके टेंसर्स की डिस्कशन को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।